एफएसए एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बकरियों के लिए एक ऐसे चारे के बारे में बताएंगे जो दूध की नदियां बहाने की क्षमता रखता है। हम बात कर रहे हैं सुपर नेपियर घास की। माना जाता है कि सुपर नेपियर घास पशु आहार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आदर्श घास है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 16-18% रहती है। और नेपियर घास न केवल किसानों की आय और मवेशियों की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बनाए रखने में भी मदद कर सकती है। आइए जानते हैं सुपर नेपियर घास के बारे में। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हेलो, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। माय नेम इज जुबैर। मैं हूं अभी फिरोज भाई के साथ बिगेस्ट गोट फार्म पे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि फिरोज भाई हमने बताया था पहले वीडियो में कि आप एक जो अलग तरह की घास है जो मैंने पहली बार देखी, और जहां तक है भोपाल में तो ये कहीं है भी नहीं, इसको नेपियर कहते हैं। इसको नेपियर कहते हैं, तो इसके बारे में आज अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप सबसे शुरू से बता दीजिए कि ये घास आप कब से लगाए हुए हैं इसको। भाई हमारे ये दूसरा साल हो गया है। दूसरा साल इसको हो गया, और आप पूरे जानवरों को सिर्फ घास ही खिला रहे हैं। ये वाली जो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, जानवर जो देखे उनकी सेहत देखी, वो सिर्फ ये घास ही खा रहे हैं। घास ही खा रहे हैं, ठीक है। इसके घास के बारे में बताएं, ये कहाँ से आपने इम्पोर्ट करी है, और मतलब सुपर नेपियर है जी, और ये हमारी इस तरफ स्मार्ट नेपियर लगी हुई है जी। और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 16-18% है, जैसा कि इसकी लैब रिपोर्ट में बताते हैं। लैब रिपोर्ट में बिल्कुल, और ये गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। सर्च भी कर सकते हैं। वो इतनी हाई प्रोटीन होने की वजह से, और इसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो भी 8% तक का है, तो इसका मीठेपन की वजह से जानवर इसको बड़े शौक से खाता है। और मतलब मैं तो ये कहूंगा कि दूध की नदियां बहा देने वाला चारा है ये। दूध की नदियां, वो सिर्फ बकरियों के लिए नहीं, आप गाय को, भैंस को, भेड़ को, हर जानवर को जो हरा चारा खाता है आप उसको खिला सकते हैं। खिला सकते हैं जी। ये आपने इसमें दो कैटेगरी बताई जी, तो इसके बारे में जरा आप बताएं। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की हैं भाई जी। तो कुछ क्या होता है कि आपको रोज मैं दाल चावल खिलाऊंगा तो आप कहोगे कि फिरोज भाई सालन नहीं खिलाते, कहीं और जाएंगे, किसी और से दोस्ती करेंगे। सही बात। तो ये थोड़ा सा टेस्ट का इसमें फर्क आ जाता है। टेस्ट का फर्क आ जाता है तो ये लोग फिर उसी चाव से डेली खाता है। डेली खाता है। और अभी मैंने आपको दिखाया था खिलाते में भी, अभी जानवरों को इसके अंदर मैं छोड़ूंगा तो आप देखिएगा, बिल्कुल टूट पड़ेंगे उस तरीके से खाते हैं इसको। फिरोज भाई, आप के कहने से कोई सिर्फ घास क्यों खिलाने लगेगा, जैसे अपने वीडियो बताई। हाँ। वीडियो में बताया। हाँ। अब उसमें नेगेटिव कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई अभी घास दे दी, कुछ और भी खिलाते होंगे, दाना भी खिलाते होंगे, तो इसमें लोगों को ये क्यों खिलाना चाहिए, मतलब एज अ कॉस्ट कटिंग इससे होती है। देखिए, क्या गोट फार्मर जितने भी हैं बड़े, अगर जो उनके पास जमीन है तो मैं कहूंगा कि नेपियर तो लगाए वो, और जब लगा के खिलाएंगे तब उनको रिजल्ट दिखेगा। और है ही नहीं तो फिर कमेंट करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई भी करते हैं। हाँ, ये हम लोगों के डेयरी फार्मर सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक के गाड़ियां लगती हैं, और हम लोग 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से यहाँ से इसको ये सेल भी करते हैं। ग्रीन फीड ये लोग हमारी लेबर काट के वहाँ पर रख देती है, जिसको जितना क्विंटल लगता है वो रख के ले जाता है। तो डेयरी वालों को, फार्मरों को तो बिल्कुल ये लगाना चाहिए। लेकिन जो जिनके पास कम जानवर है फिरोज भाई, वो क्या करें उसके लिए? कम जानवर है तो कम एरिया में लगाएं। कम एरिया में। जैसे देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर जो उसके पास भेड़ बकरी ना हो, गाय भैंस ना हो, और अगर जो जमीनी है और अच्छी जमीन हो जी, तो इसको लगा के ये कम से कम डेयरी वालों को सप्लाई दे। 800 रुपए क्विंटल में अगर जो वो बेच रहा है, और एक एकड़ के अंदर इसका 5000 किलो का प्रोडक्शन है। एक एकड़ में 5000 किलो का 40 डेज में 5000 किलो वो निकालेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरे चीजों से ज्यादा अच्छा है अगर जो वो लिंक बना ले, और अगर जो डेयरी वालों को सप्लाई करना चालू कर दे। गर्मी में सबसे ज्यादा डेयरी वालों को प्रॉब्लम ग्रीन फीड की होती है। तो कोई अगर लेके आपसे लगाना चाहे तो आप सप्लाई करेंगे? सीड इसकी ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं। हाँ। उसको क्या उसमें कॉस्ट जाती है एक एकड़ में लगाने के लिए? एक एकड़ में लगभग 11,000 स्टिक लगती है। 11,000 स्टिक लगती है। 11,000 स्टिक लगती है, और स्टिक का पूरा हम लोग पैक करके यहाँ से जहाँ जिसकी जो इंक्वायरी होगी वहाँ पर उसको डिलीवर कर देते हैं।
ठीक है, उसके साथ पूरा प्रोसीजर आप बता दें। पूरा प्रोसीजर वो देख के हम उसको गाइड करेंगे और जिस तरीके से वो हमसे पूछेगा और लगाने तक का अगर जो उसको ऐसा कुछ लगता है तो हम अपनी टीम यहाँ से भेज के उसको लगवा भी देंगे। ओके ओके, ये जितनी तेज इसकी ग्रोथ आपने बताई कि बढ़ती है, ये पानी कितना लेती है किसी के पास पानी? नहीं देखिए, इसको सिर्फ जो मैंने सुना है कि बर्फ वाली जगह पे ही नहीं लगाना है, वरना ये वहाँ पे होती है, बाकी उसके अलावा हर जगह पे ये हो जाएगी, पानी कम हो तो भी ये होगी। बाकी मौसम बर्फ को छोड़ के तीनों मौसम बर्दाश्त करती है? हर मौसम बर्दाश्त। ये आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिएगा, 8 महीने पहले वो तो सीजन उस टाइम पे बिल्कुल अलग था जी, और अभी का सीजन बिल्कुल अलग है। अभी गर्मियां स्टार्ट हुई है हाँ जी, और ये 2.5 महीने में देखिए किस तरीके का ग्रीन है। वो पहले तो जो देखा था वो काफी उनकी हाइट बढ़ गई थी, 12 से 15 फीट हाइट जाएगा, 12 से 15 फीट। हाँ, 1 महीने के बाद आप ये समझ ले कि ये 12 फीट की हाइट पे ये आपको मिलेगा। ओके, तो आप इसका मतलब लगाने का सलाह भी देते हैं और सप्लाई भी करते हैं, भी तो जो भी इंटरेस्टेड रहे ग्रीन फीड कॉल करें। भोपाल में लोकल जो लेना चाहे वो हमारे यहाँ से आके लेके जा सकता है, हाँ। जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए उतनी क्वांटिटी में हम यहाँ से सप्लाई कर सकते ठीक है फिरोज भाई, नंबर आपका जो भी है स्क्रीन पे शो हो ही रहा है। अब मैं आपको जानवरों को, कई आदमियों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई आप जानवरों को खिलाते हुए दिखा, नहीं अभी हम आगे जानवरों को इसके अंदर अभी छोड़ के बताएंगे, आप देखिए कितने शौक से इसको खाएंगे। फिर भाई, जिस तरह अपन बात कर रहे थे बकरियां छोड़ने की, जैसे अपन ये छोड़ दी तो आपके हमेशा इनको ऐसे छोड़ते हैं या फिर? नहीं, इसको क्या हम कटवा के भी खिलवाते हैं। वो कई आदमियों का ऐसा वो मन में रहता है कि क्या मालूम नेपियर है वो खाते ही नहीं खाएगी, तो कम से कम ये आप खाते में ये देख लेंगे। लेकिन जैसे अपन ने उनको खोला तो सीधे वो इधर घासों में ही आई, खा के 15 मिनट के बाद ये सीधे वापस जाके वापस पानी वाली पीना शुरू कर देंगे। नहीं, माशाल्लाह अपन ने लाइव डेमो देख लिया है और पूरा ही जानवर जो इतना अपन ने खोला है वो सब कुछ यहीं पर ही आया, उनको मालूम है खाने की जगह कहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि जानवर को पसंद भी खूब आ रही है चीजें, भर भर के खा रहा है जी माशाल्लाह। जो खाने का है बकरों का खाने का है वो पूरा फीड यहीं से, पूरा फीड यहीं से जा रहा है और यही खा रहा है सब। ठीक है, अपने दिखा दिया, अब जिस किसी को भी करना है हमने सभी बताया, कुछ बताया है स्क्रीन शॉट नंबर पे भेज दे। और नहीं, नीपियर के लिए भी जो है कि किसी को अगर ऑल ओवर जो लगेगा तो किसी को सप्लाई चाहिए या लगाने के लिए चाहिए या गाइडेंस, पूरा गाइडेंस देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।